इस वीडियो में बात करेंगे जोमा कैरेबियन T10 सीरीज का आज का दिन का एक और बेहतरीन T10 मैच के बारे में जो खेला जाएगा HAW वर्सेस RAN के बीच में। दोस्तों दोनों टीम ने ऑलरेडी जोमा कैरेबियन T10 वाला सीरीज में सात सात मुकाबले खेले हैं ना, तो क्या है ना कि दोनों टीम ने सात सात मुकाबले खेले हैं और तो उनके मैंने परफॉर्मेंस निकाले कि हर मैच में कौन सा प्लेयर ने क्या क्या करे, प्लस में क्या हो रहा है कि हर मैच में ना बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो रहे हैं दोस्तों दोनों टीमों का। इस वाला वीडियो में आपको हर प्लेयर का स्टैट्स बताएंगे, बैटिंग ऑर्डर बताएंगे, दोनों टीम ने साथ साथ मुकाबले खेले तो साथ साथ मैच में कौन सा प्लेयर ने क्या क्या करे हैं, कौन आपके लिए स्मॉली के पिक रहेगा, कौन आपके लिए GL के पिक रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू आप सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना तो काफ़ी कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर क्या होता है जो भी हमारी स्मॉली की टीम्स होती है मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, प्लस जो भी न्यू प्लस लास्ट टाइम खेलते हैं दोस्तों तो उनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @FXBot 17,200 का समथिंग सब्सक्राइबर आपको दिखने वाले हैं और आपने यहीं पे क्लिक करके जुड़ना, क्योंकि आफ्टर टॉस क्या होता है जो भी हमारी स्मॉली की टीम्स होती है मैं आपको टेलीग्राम पे मतलब दे ही देता हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों मैच टाइमिंग के, सुबह को 7:30 बजे मुकाबले स्टार्ट होंगे, आप उस समय अवेलेबल रहिएगा क्योंकि मैं टीम आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। बेनू सेम रहेगा, ठीक है सर, विविन रिचर्ड स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ में। विकेट आपने न्यूट्रल करना है। रेंजर्स की टीम ने 7 में से 3 जीती है, 4 हारी है। इनके जो ओपनर रहेगा वो रहेगा कॉफी जेम्स, इनके साथ आ रहे हैं दिमारी बंटा। बात करें कॉफी जेम्स की, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है, कैप्टेंस वाइज कैप्टेंसी तो इनको हर मैच में ही कर रहे हैं हम। लास्ट वाला गेम में भी कैप्टन कर रहा था, 17 रन करे थे और 1 विकेट निकाली थी 2 ओवर डाल के, 4 रन 2 ओवर, 64 रन 3 विकेट निकाले हैं। तो क्या है ना कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से एक तगड़ा ऑलराउंडर है, एम एस मौली की टीम में इनको अगेन कैप्टन करेंगे और आपने भी करना। डिवेंटा लास्ट लगे में बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कराई थी, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है, लास्ट लगे में 1 रन करे तो 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था। स्टार्टिंग आप मैच देखोगे 22 रन 1 विकेट, 29 रन 2 ओवर, तो प्लस अंदर है आप रखो क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है ना, टीम इनको कभी 1 कभी 2 ओवर में यूज़ करती है। तारिक बेंजामिन कुछ खास नहीं है, केवल गेम सही गया था 18 का, उनके अलावा सारे मैच में इन्होंने स्ट्रगल किया है। जेवल एंड्रो विकेट कीपर बल्लेबाज 17-0-15 करे थे। ब्रेंट जोसेफ ने 16 रन करे तो 1 विकेट निकाले थे। जोसेफ को टीम ने बॉलिंग दिया था लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है तो GL की टीम में रखो, अगर टीम इनको बॉलिंग देती है तो फिर आपके लिए GL मतलब जितवा भी सकते हैं। गिलेंटन विलियम्स इंपोर्टेंस रहेगा, 3 विकेट निकालते 2 ओवर डाल के। उरी स्मिथ को भाई टीम ने बॉलिंग दिया था और 2 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले थे, वैसे तो टीम मैंने प्रॉपर ओपनर है, अगर खेलते हैं तो भाई ज़्यादातर ओपनिंग करवाते हैं, लेकिन लास्ट लगे मैंने टीम ने इनको ओपनिंग नहीं भेजा था, 2 ओवर के बॉलिंग दिया था। जे जेम्स ने केवल फील्डिंग करवाई थी, मार्क लिन ने केवल फील्डिंग करे थे, अफ्रीका को छोड़ेंगे जेम्स को भी छोड़ेंगे। देखो हम स्मॉली की टीम में कॉफी जेम्स को पिक कर रहे हैं, डिवेंटा को पिक कर रहे हैं, 2 हो गया। तीसरा प्लेयर स्मॉली की टीम में गिलेंटन रहेगा, 4th रहेगा उरी स्मिथ, 5वां मार्क लिन को ले रहे हैं, 6ठा आपको लेने हैं तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जेवल एंड्रो को, उनके अलावा मैं किसी भी प्लस को प्रेफर कर ही नहीं रहे क्योंकि सामने वाला टीम भी बढ़िया टीम से स्टार्टिंग तक हमने लिखी है। बेस वाले जो भी प्लस बैठे जैसे कि यानी कोटली हो गया, सैमुअल पीटर्स हो गया और उनके अलावा एवर क्रिस्टन हो गया, ये लोग खेलते हैं तो वो लोग बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, खेलेंगे तो जरूर हम ट्राई करेंगे, लेकिन लास्ट लगे में ना खेले नहीं थे। सामने टीम है HAW की टीम से, 7 में से 4 जीती थी इनकी टीम। इनके जो ओपनर रहेगा वो रहेगा जेमुअल फर्नांडेज, जिनके साथ आ रहे हैं माइकल डोवर। बात करेंगे जेमुअल फर्नांडेज की, 5 और 6 करे दोस्तों लास्ट के 2 गेम में, GL के टीम में पिक करेंगे, स्मॉली की टीम में आप छोड़ ही सकते हो, हालांकि बैटिंग सेक्शन अवेलेबल है। डोवर कुछ खास नहीं कराई थी, विकेट कीपर बल्लेबाज है, हम साउंडलर टीम से डी वेंटा को पिक करेंगे तो छोड़ेंगे। उनके बाद आएंगे डेरान वेंटा, विकेट कीपर बल्लेबाज है, वैसे लास्ट वाला गेम में टीम इनको बॉलिंग दे रहे, मतलब लास्ट के 3 गेम में ना 1-1 ओवर को बॉलिंग दिया है, लेकिन ये ना विकेट कीपर में है, विकेट कीपर में ओला की बात है, लेकिन टीम इनको बॉलिंग में यूज़ कर रही है दोस्तों, विकेट कीपर से आप इनको पिक करो। यूसुफ ने भाई लास्ट के 2 गेम से बॉलिंग करवा रहे, लास्ट लगे में 1 विकेट भी मिला था 2 ओवर डाल के। ग्राम ने 2 रन करे तो 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी। जस्टिन अथनाजे का प्रिंसिपल स्क्रिप्टर का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उनके अलावा आएंगे टॉपिंग, केवल 13 करे थे। मेसर ने केवल 1 रन करे थे। एंथोनी मार्टिन इंपोर्टेंस रहेगा, लास्ट के 2 गेम से 3 विकेट निकाले हैं। नीचे आपको दे सिल्वा कुछ खास नहीं है, माइकल हरिलाल इंपोर्टेंस रहेगा। देखो हम स्मॉली की टीम है, जेमुअल फर्नांडेज को पिक करेंगे, डी वेंटा को पिक करेंगे 2 हो गया, यूसुफ 3 हो गया, ग्राहम 4 हो गया, अथनाजे 5 हो गया, छठा पिक रहेगा एंथनी और 7 तो आप हरिलाल को ले सकते हो। नीचे गेविन दोंगे ओपनर है दोस्तों, खेलेगा तो ओपनिंग कराता है। विन स्टोन नेल्सन ये लोग खेलते हैं ना तो ये भी इंपोर्टेंस पिक रहेगा। तो भाई बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इनके बेंच पे है, वो लोग खेलते हैं तो कहाँ पे खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें लास्ट टाइम हम डिस्कशन करते हैं। विकेट की पर्सन हम डी वेंटा को पिक करेंगे क्योंकि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर रहा है। और बैटिंग से आएंगे उरी स्मिथ को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में, उनके अलावा माइकल मार्कलिन, लास्ट लगे में बॉलिंग डाली नहीं थी लेकिन बॉलिंग करा सकते हैं, बट उनसे पहले हम फर्नांडिस को लेते हैं। अथनाजे को पिक करते हैं, कॉफी जेम्स को पिक करते हैं, गेविन तोंगे खेलेगा ओपनिंग करेगा 2 ओवर डालेगा, ग्राहम को लेते हैं, डिवेंटा को पिक करते हैं स्मॉली की टीम में। बॉलिंग में आते हैं हरिलाल को लेते हैं, गिलेंटन विलियम्स को पिक करते हैं, मार्टिन को पिक करते हैं दोस्तों स्मॉली की टीम में,
उनके अलावा जे जेम्स को लेना है तो लो, या फिर बैटिंग सेक्शन में आओ यूसुफ को ले लो, ठीक है। कैप्टनसी मेरा रहेगा कॉफी जेम्स, वाइस कैप्टनसी अथनाजर रहेगा। जीएल में आप खेल रहे हो ना तो जीएल की टीम में डी वेंटा को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ट्राई करिएगा। उनके अलावा आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिवर्स भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना। टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम पर आपने जुड़ना। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।